बोलते ना, एक वक्त आता है जहाँ ब्रेक की जरूरत होती है आपको। एक थोड़े टाइम का एक ठहराव था जी जहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर में बंध गया। एक्टर है, उसको अलग अलग कैरेक्टर भी करना बिल्कुल, है बिल्कुल। और एक कैरेक्टर में ग्रोथ की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स की है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मैं एंटरटेन कर। डिजिटल न्यूज़ और मेरे साथ मौजूद है अली असगर जी। सर वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू बाबा। कैसे? मैं सही हूँ सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर जानना चाहूंगा आपकी आने वाली फिल्म के बारे में, थोड़ा सा बताएं हमारी जनता को कि आपकी आने वाली सर फिल्म। बड़े टाइम के बाद एक फैमिली वैल्यू वाली फिल्म, जी फिल्म जो फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, फैमिली एंटरटेनर। जी एट द सेम टाइम एक थोड़ा मैसेज भी है इसमें। यू नो, हम बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत बार क्या, हमेशा आजकल के बच्चे कहते हैं ये आपके ज़माने में होता था, हमारे ज़माने में नहीं है, हमारा वक्त बदल गया, आपका वक्त ऐसे था। तो उस वक्त और इस वक्त को मिला करके ये फिल्म बनी है हमारी। एंड एंटरटेनमेंट भी है इसमें, मैसेज भी है। और जैसा कि जो टाइटल है हमारा, लव करूँ या शादी है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जहाँ वो सोच में पड़ जाता है कि मैं लव करूँ या शादी शादी करूँ। तो सर आप काफ़ी टाइम से मिसिंग थे, लोग आपको मेरे मेरे चैनल के थ्रू बोलते थे कि अली असगर को आप कपिल शो में भी बहुत मिस करते हैं। सो अब इस फिल्म से जो आपको जो इतना मिस किया गया है, क्या इस फिल्म से हम मान सकते हैं कि अली असगर की वापसी कह सकते हैं इसे हम? सर उम्मीद है, मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने एक ब्रेक है बीच में, हर बोलते ना एक वक्त आता है जहाँ ब्रेक की ज़रूरत होती है आपको। एक थोड़े टाइम का एक ठहराव था जहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर में बंध गया हूँ। ओके हाँ, नॉट डैट कि मैं वो कैरेक्टर एंजॉय नहीं करता था या नहीं करता हूँ, पर एक एक्टर है, उसको अलग अलग कैरेक्टर भी करना है बिल्कुल। और एक कैरेक्टर में ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स की है, तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ ऐसे कैरेक्टर से भी। बहुत सालों से आप एंटरटेन करते ही आ रहे हैं एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी। मैं जरूर देखूंगा गाइस, आप लोग भी देखिएगा इनकी आने वाली फिल्म। कब रिलीज हो रही है सर? सर ये अप्रैल में है मेरे ख्याल से, बहुत जल्द डेट। अभी उसके टीजर्स आ जाएंगे और ट्रेलर्स भी आएंगे, सॉन्ग्स भी रिलीज हो जाएंगे, तो डेट आपको पता चल जाएगी। थैंक यू।